जो है काशी बनारस में पहुंच चुके हैं और ये हमारा होटल रहने की व्यवस्था। मैं अभी अपलोड करूंगा रात में एक व्लॉग कि हम पहुंच चुके हैं और हमारी क्या व्यवस्था है रहने की। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ महादेव काशी विश्वनाथ। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में जहां हम रुके हैं। ये हमारा रूम HD व्यवस्था के साथ। तो आज रुकेंगे हम यहीं बनारस के इस अपने होटल में। तो बहुत ही सुंदर मनोरम ये कक्ष। हम पहुंच चुके हैं बनारस के इस होटल में और मैंने दिखाया कि हम प्रयागराज से जो है 150 किलोमीटर का सफर करने के बाद इस बनारस महादेव की इस नगरी में पहुंच कर अपने होटल में पहुंच चुके हैं। सभी लोग अपने अपने कमरे में जा रहे हैं और हमारा कमरा मैंने दिखाया तब, ताकि आप भी यहाँ आए तो जरूर आपको रहने की व्यवस्था जो है हम कर देंगे। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इस होटल का पता। अंकल जी पहुंच चुके हैं अपने बेडरूम में। तो अंकल जी कैसा अनुभव हो रहा है बनारस पहुंच? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसे आपके रूम? बहुत बढ़िया रूम है, रहने की व्यवस्था उच्च है। और ये हमारे अंकल जी कुछ आनंद में स्नान करने के बाद, स्नान करने का बड़ा आनंद लिया आपने है? स्नान करने का तो पूरा मैंने वो ये बोले मैंने 3 लगाए, 7 चार, ओए 7 वाले है? मैंने 7 डुबकी लगाई है। अच्छा अच्छा। और मैंने कहा अबे तो आप जो मैंने जो डुबकी लगा दी ना तो तक हो गए क्या बात जोरदार। ये पहले झटके में तो ऐसे हो गए। पुछ गया कमरा अपने पंडित जी ठीक है कमरा? नमस्कार वो तक सिंगल बेड रखो रहा है। हाँ ये तो हमारे लिए है ना। का रूम है, कैसा लग रहा है आपको रूम में? बढ़िया। अच्छा रूम, बढ़िया। तो ये था आज का होटल जहाँ हम रहने वाले हैं और यहाँ की व्यवस्था। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, आपको दिखाते हैं बनारस के कल घाट, महादेव के दर्शन आपको कल करवाते हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।